हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे। और आज हम अपने 100 एमसीक्यूज की बात करेंगे अक्टूबर मंथ की। कल हम लोगों ने सितंबर मंथ कंप्लीट कर लिया, तीन चार क्लासेस कंटिन्यूअस हुई थी अक्टूबर मंथ। कल भी हम अक्टूबर मंथ करेंगे, कल 15th है, कल भी हम अक्टूबर मंथ ही करने वाले हैं 100 क्वेश्चन फिर से। सीरीज कंटिन्यूअस रखिएगा और शुरू करते हैं अपना सेशन। आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे। गाइस, 1:30 पर हम फिर से मिलने वाले हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे हम डिजिटल बैंकिंग, अगर आज कंप्लीट होता है तो ठीक है, नहीं तो स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक कंप्लीट होने के बाद स्मॉल बैंक पेमेंट बैंक पढ़ेंगे, नहीं तो कल पढ़ लेंगे उसे। ठीक है, सेशन कॉन्टिन्यूस रखिए। आपके एग्जाम्स 18 को हैं और एग्जाम्स 19 को हैं और काफ़ी अच्छे सेशंस आपको मिलेंगे। आप मुझे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मेरे लेक्चर्स होते हैं। ये रहा मेरा प्रोफाइल, अभिजीत मिश्रा मेरा नाम है। आप सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर माई रेगुलर वीडियोज एंड नोटिफिकेशन ऑफ माई पेड क्लासेस। गाइज, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो कर सकते हैं क्या कर लीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम है क्लरिकल का, उसके पहले आरबीआई का एग्जाम है, देन आईबीपीएस के एग्जाम्स हैं, एसबीआई पीओ है, आरआरबी है, इंश्योरेंस एग्जाम्स है, कॉन्टिन्यूअस एग्जाम्स लगे हुए हैं। और अगर अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और आप अनअकैडमी पर नहीं आए हो तो एक चांस अनअकैडमी पर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलती हैं। आप हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से पढ़ सकते हो। कई सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, क्वांट के कम 10 एजुकेटर्स हैं, रीजनिंग के 10 है, इंग्लिश के 10 है, जीए के 10 है। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाकर अपने आप को टारगेट देकर खुद टारगेट अचीव कर सकते हैं, टाइम से पहले रिवीजन के लिए टाइम बचा सकते हैं और आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए। साल भर एग्जाम्स है तो साल भर के लिए अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं गाइज, तो आपकी फीस कितनी पड़ती है, आपकी फीस पड़ती है, जैसे अगर यहां पर आप देखो 12 मंथ की फीस है 6000 रुपए। लेकिन अगर आप ये मेरे कोड से एडमिशन लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट आपके पास, और आपकी फीस पड़ेगी 5400 रुपए की। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट नहीं हो, फॉर एग्जांपल आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कैट, किसी और चीज की तैयारी कर रहे हो और आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपके छोटे भाई बहन या आपके दोस्त यार सखी सहेलिया कोई भी है, अगर अनअकैडमी प्लस को किसी और कोर्सेज के लिए भी ज्वाइन करना चाहती है तो आप मेरा ये रेफरल कोड रेफर कर सकते हो, एएम लाइफ कोड, फॉर द 10% एश्योर गारंटेड डिस्काउंट 10%। गाइज, हमारे पास एक मॉडल और भी है उन सारे बच्चों के लिए जो कि अभी बिगिनर्स है, जो कि अनअकैडमी को ज्वाइन किए रहना चाहते हैं। तो 2 साल के लिए अनअकैडमी आपका हो सकता है, 9600 रुपए फीस पे नहीं करना है। अगर आप एएम लाइव कोर्स से एडमिशन लेंगे गाइस, तो आपका ये फीस पड़ेगा 8640 रुपए, 2 साल के लिए अनअकैडमी आपका हो जाएगा। इसके लिए आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए, डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद चूज योर गोल ऑप्शंस मिलता है, वहां पर जाइए, बैंक एग्जाम पे क्लिक कर लीजिए और बैंक एग्जाम पे क्लिक करते ही आप हमें पा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सेविंग डे, आल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे 2019। आप मुझे डे भी बता सकते हैं और यहां पे आंसर तो करना ही करना है आपको। पहला क्वेश्चन हमारे सामने और यहां पे आपस में बातचीत चल रही है। बैंकर जी गुड मॉर्निंग, प्रखर जी गुड मॉर्निंग, प्रीतम जी गुड मॉर्निंग, रीता गुड मॉर्निंग, और यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं। पलक बोल रही है 4 ऑप्शन, अंकिता बोल रही है 4 ऑप्शन, प्रीतम बोल रहे हैं 4 ऑप्शन, एंड द आंसर इज सेविंग गिव लाइफ अ लिफ्ट। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर अभी तक आया है। मुझे किसी ने अभी तक दिन नहीं बताया। सौरभ दास बोल रहे हैं फॉर इंडिया 30th अक्टूबर, क्या ये सही आंसर होगा। अभी तक किसी ने डे मुझे नहीं बताया है। तैयारी ठीक से करिए, पूरा करिए, कंप्लीट करिए। 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक इज ऑब्जर्व फॉर, 7वां एडिशन ग्लोबल मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ये 5 ऑप्शंस। शमी 2.0, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। सुष्मिता सेन जी भी है हमारे बीच में, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग। अभिजीत विश्वास जी गुड मॉर्निंग, और यहां पर पलक बोल रही है 24 to 31 का ये सही आंसर होने वाला है, एंड द आंसर इज 24 to 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्वागत है, देख लीजिए। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurated technology demonstration site on National Unity Day, also known as Rashtriya Ekta Divas? Vallabh Bhai Patel ji ka janmdin. Bataye zara mujhe. Tunnu baby, good morning, good morning. Aapko bhi good morning. Aur yahan pe Palak bol rahi hai Kevadiya, Adhikari sahab bol rahe hai Kevadiya, Akash Ghosh bol rahe hai Kevadiya. क्या केवड़िया सही आंसर होगा? केवड़िया गुजरात इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। वेरी गुड, फैंटास्टिक गाइस, सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं
तो आपका एक गुरु दक्षिणा हमारे लिए हो जाएगा। सेशन को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। मनोज सिंह जी गुड मॉर्निंग, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द रशियास मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ द न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। सबमरीन की बात हो रही है, दैट टेस्ट फायर द बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फॉर फर्स्ट टाइम। तो अभी तो आप लोग आंसर दे दोगे मुझे मालूम है। रेणुका जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनोज जी, गुड मॉर्निंग हो गया। कृति बोल रही है क्लियर नहीं है वीडियो। अच्छा क्या दिक्कत है कृति बेटा, जरा मुझे बताएंगे यार। एंड द आंसर इज केनियास व्लादिमीर, ऑप्शन नंबर फोर। बुलवाया पे क्यों चले गए तुम लोग, ये होगा आंसर। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर, गलत मत करो भैया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट पोजीशन डस इंडिया रैंक एज पर द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट 2019 द इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। टॉप बाय कोलंबिया, टॉप किया कोलंबिया ने, टॉप किया कोलंबिया ने। एंड अबे बफरिंग कहां होने लगी, टॉप बाय कोलंबिया, इंडिया पोजीशन इज फिफ्थ, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द 12th edition of the report titled Global Microscope 2019। यानी अभी हमने पढ़ा कि टॉप किया कोलंबिया ने, इंडिया की रैंक पांचवी है, किसने इसे रिलीज किया इस रिपोर्ट को, यह आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जल्दी आंसर दे, जल्दी आंसर दे, क्या इसका आंसर होगा। नबिता पंडित बोल रही है यूरोपियन यूनियन, अंकिता पॉल बोल रही है वर्ल्ड बैंक, एडवर्ड बोल रहे हैं वर्ल्ड बैंक, रोहन पाठक बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं वर्ल्ड बैंक। एंड द आंसर इज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट IEU, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच ईयर इज सेट एज टारगेट टू इंक्रीज द कैपिटल बेस ऑफ द एक्सिम बैंक टू रुपीज 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ रुपए बेस, मतलब इतना अमाउंट कर देंगे एक्सिम बैंक का किस ईयर में, यह आपसे पूछा गया। वी हैव फाइव ऑप्शन अगेन। सुनील जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, थोड़ा टाइम से आइए, छह क्वेश्चन बीत चुके हैं आपके सामने से। आयुष बोल रहे हैं 2022, अन्वेषा बोल रही है 2022, एडवर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं 22, पलक बोल रही है 22, सोनम, रोहन, सौरभ डे, सबका सेम आंसर है। आंसर इज 2022, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर एट। हु लीड द हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन ट्रेड एंड पॉलिसी दैट सजेस्ट द सिंपलर रेगुलेटरी एंड टैक्स फ्रेमवर्क फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फंड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, देखते हैं क्या इसका आंसर आप लोग देते हो। हालांकि मैंने पहले भी पढ़ कराया हुआ है क्वेश्चन, ये आप लोग को याद नहीं होगा। एडवर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं विवेक, सोनम बोल रही है देवराय, अच्छा बांट लिया। निशा यादव, सुजीत भल्ला, पलक, विवेक, विक्रम विवेक, एंड द आंसर इज सुजीत भल्ला, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। यानी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप गलत करके आते कुछ लोग इसमें से। नेक्स्ट पॉइंट, Which bank has partnered with SREI Equipment Finance Limited to provide loan to MSME and retail sector customers? What is the answer? Simple question, कई बार कराया गया question, LIC के time पर भी मैंने ये question कराया है। चलिए answer दीजिएगा जरा मुझे। पलक बोल रही है United, Edward बोल रहे हैं UBI, अन्वेषा बोल रही है UPI, and the answer is UBI, option number 3 is right answer. Next question, Which institute has signed an MOU with Frankfurt इनोवेशन जेंटम बायोटेक्नोलॉजी GmbH, जर्मनी की एक संस्था है, इन न्यू दिल्ली फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जेनोमिक्स। व्हाट इज द आंसर? जल्दी आंसर दें। स्वप्निल, यही तो दुनिया का दस्तूर है, दुनिया बड़ी सेल्फिश है, एक लाइक भी नहीं कर सकती, अब डिसलाइक हो जाएगा तुरंत, मैं जानता हूं। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने MOU साइन किया है फ्रैंकफर्ट इनोवेशन जेंटम बायोटेक्नोलॉजी GmbH के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने देख लीजिए यहां पे। विच टू कंट्रीज हैव साइंड द इंटरनेशनल सोलर एलियंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टेकिंग टू टोटल नंबर ऑफ सिग्नेटरीज टू 83, किसी एग्जाम में आया था आई थिंक IBPS PO में आ गया था या LIC में आया था ये क्वेश्चन, जल्दी आंसर दें। और यहां पर आंसर आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इज इरिट्रिया एंड सैन किटीज एंड नेवीज, तो ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर वॉज द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड टेक
विथ एजेंडा सस्टेनेबल रोड एंड हाईवे स्मार्ट यूज ऑफ द, तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है रोड टेक कहां पर हुआ। चलिए आंसर की बात कर ले, क्या इसका आंसर होगा, एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली, एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली, आंसर इज न्यू दिल्ली। सागर सक्सेना पूछ रहे हैं सर तुक्का कैसे लगे, तुक्का कैसे लगे, देखो जो तुम्हारे फेवरेट भगवान हैं या माता जी हैं, जैसे जय माता दी, बजरंग बली, हनुमान जी, महादेव, हर हर महादेव, तो जो तुम्हारे फेवरेट भगवान जी हैं बिल्कुल एकदम शांति से एक मिनट सोचो, भगवान को सोचो थोड़ा सा, ठीक, उसके बाद उनका नाम लो उंगली पर, जैसे चार ऑप्शन होते हैं तो उसी में खेलो बेटा, जय य बजरंग बली, जो उसमें आ गया लीव लगा दो टिक उस पर, लास्ट का जो नंबर आए ना भगवान का नाम आए जिस ऑप्शन पे उस पर टिक लगा दो, तुक्का लग जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फादर ऑफ योगा इन द वेस्ट हुज 125th बर्थ एनिवर्सरी वॉज कमेमोरेटेड बाई रिलीजिंग अ क्वाइन फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 125 by the our finance minister Nirmala Sitharaman, what is the answer, what is the answer? Sagar PO mains mein nahi ho rahe the, ab honge na, tum humse miliye, agar tumhe short shot selection chahiye to 501 rupaye ka chanda lag gaya bhai, ekdam sahi tukka tumhara baithega, and the answer is Paramhans Yogyanand, option number 2 is right answer, very good. Next question, which country human milk bank model is said to be adopted by India, ye bhi aapko pata hai, answer dijiye kya iska answer hoga, जल्दी से दे। एंड आंसर इज ब्राजील, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ईयर इज सेट एज टारगेट बाय इंडिया टू अचीव एट लीस्ट 70% इन्फेंट टू हैव एक्सेस टू ब्रेस्ट मिल्क, व्हाट इज द आंसर। हाँ, ईयर आपसे पूछा गया है और इसका आंसर भी देना है आपको, आंसर इज 2025, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was the third future investment initiative also known as the Davos in the desert forum for the year 2019 held? What is the answer? ये तो question important है, exam में आ भी सकता है और आप लोगों को answer भी पता है मुझे ये मालूम। And the answer is Riyadh, Saudi Arabia, UAE, कौन बोला जी? अंकिता तो नहीं है कहीं? नहीं, ठीक है, Riyadh, Saudi Arabia, option number 2 is right answer, option number 2 is right answer. नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ चुका है, देखिए यहां पर, नेम द इंडियन डेलीगेट हु एड्रेस द थर्ड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव ऑल्सो नोन एज द डावोस, तो कौन इंडिया का कौन डेलीगेट था ये आपसे पूछा गया है, आंसर देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा, जल्दी 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 आंसर। और अधिकारी साहब बोल रहे हैं सुब्रमण्यम, अन्वेषा बोल रही है जयशंकर, अच्छा एस जयशंकर, ठीक है ठीक है। आंसर की बात कर ले तो नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तुम लोग क्या हो यार, कैसे हैं ये लोग, कहां से आते हैं? चलिए एग्जाम है 18 को, जल्दी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर साइन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, देख लीजिए मोदी जी वहां पर गए थे इसलिए ये चीज आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है, आंसर दीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। चलिए, हाउ मेनी अग्रीमेंट, नायक जी याद करिए, एंड द आंसर इज 12, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, विच कंट्री हैज रिलीज अ न्यू क्वाइन वर्थ रुपीज 50, 50 रुपए का नया क्वाइन इशू किया टू कमेमोरेट द 550 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा गुरु नानक जी, तो ये इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, एंड द आंसर इज पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेपाल, नेपाल के रिजर्व बैंक ने कई सारे क्वाइन इशू किए थे ना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, Name the country which has signed a strategic partnership council agreement with Saudi Arabia, thus becoming the fourth country. क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अभी तक ये अग्रीमेंट चाइना से किया है, यूके से किया है, चाइना, यूके और एक देश कोई और उससे किया है, चौथा देश इंडिया बन गया है, याद रखिएगा चौथा देश इंडिया बन गया है, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल अग्रीमेंट, ये याद रखिएगा वर्ड, इंडिया इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country based Air Carbon Private Limited launched the world first blockchain based carbon trading exchange? Blockchain based, ये भी आप लोग को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन कराया गया है, आंसर क्या होगा देख लेते हैं यहां पर। अरे भैया थोड़ा सेशन को शेयर वेयर कर दो यार, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिंगापुर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, सिंगापुर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Name the airline which became the member of International Air Transport Association
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मेंबर कौन सा इंडियन एयरलाइन बना है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका सही आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चल रहे हैं। एंड द आंसर इज इंडिगो, ऑप्शन नंबर 1। इंडिगो हमारा सही आंसर है, इंडिगो हमारा सही आंसर है। नहीं, स्पाइस जेट वाले तुक्का मार रहे हैं स्नेहा, गलत है। ज्योति जी क्या बात है भाई, शालिनी कश्यप जी क्या बात है। नेक्स्ट पॉइंट, Who has been appointed as the new Director General of the International Atomic Energy Agency on October 30th? International Atomic Energy Agency, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, याद रखिएगा ये भी। और कौन बना है देख लीजिए यहां पर, अधिकारी साहब बोल रहे हैं ग्रीसी, स्नेहा ग्रोसी, चलो आंसर राफेल मारिनो ग्रोसी, ऑप्शन नंबर 3। ये अर्जेंटीना के हैं, राफेल मारिनो ग्रोसी। नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर शाद अल हरीरी वॉज रिजाइन ऑन अक्टूबर 29। शाद अल हरीरी रिजाइन कर दिया इन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर, कौन से देश के हैं ये आपसे पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से देखते हैं थोड़ा सा। और पहला आंसर किसने दिया यहां पर, स्नेहा जी बोल रही है लेबनन, स्वप्निल लीबिया बोल, ठीक है आंसर इज लेबनन, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। Who was appointed as the Deputy National Security Advisor on October 29? National, मतलब Deputy National Security Advisor कौन बने हैं ये आपसे पूछा गया है, ये तो पता ही होगा आप लोग को। Answer की बात कर लेते हैं, क्या इसका answer होगा? And the right answer is दत्तात्रेय पडसल गीकर, option number 1 is right answer. Next point, which institute has created the first ever Indian Brain Atlas in collaboration with the Department of Imaging साइंस एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी? श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने सारे पार्टनर्स के नाम बता दिए, मेन ऑर्गेनाइजेशन आपको देखना है, इन सारे पार्टनर्स का नाम देखकर जाइएगा बिकॉज IBPS PO में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला ब्रेन एटलस पर। आंसर इज हैदराबाद, IIIT हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, नेम द फर्स्ट वुमेन फर्स्ट जापानीज पर्सन एंड द फर्स्ट फीमेल United Nation High Commissioner for Refugees who passed away recently. UNHCR का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। चलिए आंसर दीजिए, इसका आंसर होगा एंड आंसर इज सडाको ओगाटा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फोनिक्स विच वॉज ट्रांसलेटेड एंड रिलीज इन इंग्लिश टाइटल द पैरट ग्रीन साड़ी? हाँ ठीक है, आंसर दे जल्दी से। एंड द आंसर इज नवनीता सेन, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु विल हेड द कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज फॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर फेस बाय सर्विस प्रोवाइडर्स सच एज भारती एयरटेल और वोडाफोन इंडिया? एंड ये भी हमारे पास 5 ऑप्शन है और ये हमारे देश के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं जिन्होंने लीड किया था इस कमेटी को और इनका नाम क्या है, राजीव गौबा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, What was the campaign theme of the International Chef Day 2019? Campaign theme. Theme पूछी गई है International Chef Day की, ये कब मनाते हैं ये भी आप revise कर लीजिए, memory memorize कर लीजिए और यहां पर comment कर लीजिए वैसे। और इसका answer क्या होगा, इसका answer क्या होगा, इसका answer How healthy food works. Option number 2 is right answer. Very good, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। Next point. वर्ल्ड स्ट्रोक डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन, वर्ल्ड स्ट्रोक डे कब मनाते हैं ये आपसे पूछा गया है। वी हैव 5 ऑप्शंस और आंसर की बात कर लेते हैं, कौन इसका पहला आंसर देता है। निशा बोल रही है 20th October, नविता बोल रही है 22 एंड द आंसर इज अक्टूबर 29, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बहुत सही अन्वेषा, आकाश, निशा, पलक गलत हो गया बेटा तुम्हारा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, On which date International Internet Day is observed? International Internet Day कब मनाते हैं? अभी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि इंटरनेट मतलब ये तो आपका मौलिक अधिकार है एक तरह का यूज करना। एंड द आंसर इज अक्टूबर 29, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 29 अक्टूबर इज राइट आंसर। कम से कम 2 क्वेश्चन डे से आ सकता है क्लरिकल मेंस में क्योंकि 50 नंबर की जीए यहां पर आएगी। फाइंड द नॉवेल ऑफ रोमेश गुनाशिकरा Which is set to release on November 2019. November 2019, कोई नहीं, मेरे गार्ड्स हैं, सब बाहर लगे हुए हैं, मेरी सुरक्षा में वही लोग बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज योर आंसर? एंड द आंसर इज सन कैचर, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे
और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ चुका है, देख लीजिए यहां पर, देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द अनक्वाइट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। आंसर आप लोग को मालूम ही होगा मेरे ख्याल से, ये तो सिंपल है कई बार। हाँ बिल्कुल सही, एंड द आंसर इज अरु ज्योति साकिया, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, हु वॉन गोल्ड मेडल इन द मेन्स जैवलिन थ्रो इन 7th CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स फॉर द ईयर 2019, वॉट इज द आंसर? जल्दी से आंसर फटाफट। एंड द आंसर इज शिवपाल सिंह जी, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। शिवपाल सिंह जी नहीं, गलत दे रहे हैं आप लोग आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री वॉन द फेयर प्ले ऑनर अवार्ड इन द 7th CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स फॉर द ईयर 2019? ये CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स ये वुहान चाइना में हुआ था, चाइना ने टॉप किया था इसमें और इंडिया 27th रैंक पर आया था मेडल लिस्ट में। एंड द आंसर इज फ्रांस, ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस इज राइट आंसर। फ्रांस हमारा सही आंसर है, फ्रांस सही आंसर है। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द 7th CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स फॉर द ईयर 2019? जैसा कि मैंने आपसे बोला कि चाइना ने इसमें टॉप किया था, इंडिया 27th नंबर पे था, वुहान में ये गेम्स हुआ था, तो चाइना, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन को करंटली एक्रेडिटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ समोआ? पढ़ाया गया आपको है, आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा। एंड द आंसर इज मुक्तेश कुमार परदेसी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। परदेसी वाला गाना तुम लोग सुने हो, परदेसी गाना, परदेसी कौन सा गाना है परदेसी? नेक्स्ट पॉइंट, टू विच कंट्री बीरेंद्र सिंह यादव वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया? वॉट इज द आंसर? एंड आंसर इज रिपब्लिक ऑफ इराक, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, Who created a new speed record by climbing the world 14 highest peak in 7 months? राजा हिंदुस्तानी वाला नहीं बोल रहे थे जी, हम बोल रहे थे ये वाला गाना कौन सा है, ओ परदेसी, कौन सी मूवी, देव देव डी वाली मैं बोल रहा था यार। गुड मॉर्निंग शिव जी, गुड मॉर्निंग। निर्मल पुर्जा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, Which firm was conferred with the National CSR Award 2018 for excellence in corporate social responsibility during the first edition of the National Corporate Social Responsibility Award? देखिए, Corporate Social Responsibility Award President रामनाथ कोविंद जी ने दिया, हमारे देश में टोटल 19 कंपनी को यह अवार्ड मिला, उसमें से क्वेश्चन है, आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होगा? आंसर इज एल्डरविस फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। एल्डरविस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which insurance firm has received the in principle approval from IRDA to act as a direct insurance broker? बताइए आंसर, बताइए आंसर क्या इसका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल सही, BSE Avex Insurance Broking Private Limited, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, नेम द सीईओ विच हु टॉप्ड अमंग द इंडियन सीईओ एंड रैंक 6th ग्लोबली in the best performing CEO in the world 2019 list prepared by the Harvard Business Review? तो इसका आंसर आपको देना है, छठवें सबसे सफल कौन है? इंदिरा नोई नहीं है, सत्यनारायण नडेला, शांतनु नारायण, अजय पाल सिंह बंगा, none of these, तो इसका आंसर हम लोगों को मालूम है क्या होगा? इसका आंसर होगा शांतनु नारायण from Adobe, option number 3 is right answer. Name the university which topped among the Indian university and ranked 17th globally in the Financial Times Master in Management 1 year program की बात हो रही है। 17वें नंबर पे कौन आया था आपको मालूम है ये कौन है? बिल्कुल सिंपल सा है। And the answer is IIM Calcutta, option number 2 is right answer. Option number 2 is right answer. Next point. Where was the 29th basic ministerial meet on climate change held? बेसिक में ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, चार देश आते हैं, इनके इनके मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग क्लाइमेट चेंज पर कहां पर हुई ये आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नहीं, ब्राजील में नहीं हुआ, वो ब्रिक्स था, ये बेसिक है, बीजिंग चाइना, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, बीजिंग चाइना इज राइट आंसर। वेयर वॉज द 18th समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट हेल्ड? मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नैम समिट की बात कर रहे हैं। नैम समिट का 18वां एडिशन कहां पर हुआ और इंडिया से किसने इसमें पार्टिसिपेशन किया? तो आपको पता है इंडिया से
वेंकैया नायडू जी गए थे यहाँ पर, और ये बाकू अजरबैजान में हुआ. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नेम द इंडियन डेलीगेट हु एड्रेस द 18th समिट ऑफ इट. तो आप लोग आराम से अब नाम बता देंगे क्या इनका नाम है, कौन इंडिया को लीड किया था वहां पर. तो वेंकैया नायडू ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल फोरम ऑन स्टील एक्सेस कैपेसिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2019. धर्मेंद्र प्रधान जी यहां पर गए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे. और ये कहां पर हुआ था, ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था जापान में, टोक्यो में हुआ था. टोक्यो जापान. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट पॉइंट. विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विथ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड अनाउंस न्यू डिक्लेरेशन ऑफ टैकलिंग ग्लोबल नाइट्रोजन चैलेंज. नाइट्रोजन याद रखना, नाइट्रोजन की बात होगी तो क्या आंसर होगा, आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा श्रीलंका, कोलंबो, श्रीलंका. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. श्रीलंका इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच ईयर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच ईयर इज सेट एज टारगेट टू हाफ द नाइट्रोजन वेस्ट, हाफ हाफ द नाइट्रोजन वेस्ट बाई न्यूली अडॉप्टेड कोलंबो डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट. और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 2030. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. विच इंडियन सिटीज विल बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे फ्रॉम द ईयर 2020. दो नए शहर और एड कर लिए गए हैं, पहले केवल दो ही शहर पर रैंकिंग होती थी. फिलहाल आप पहले ये आंसर दें, दो शहर कौन से हैं. हाँ, कोलकाता एंड बेंगलुरु. ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. कोलकाता और बेंगलुरु को भी ईज ऑफ डूइंग के लिए शामिल कर लिया गया है. बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया. नेक्स्ट पॉइंट. जोको विडोडो जो है ये सेवेंथ प्रेसिडेंट बने हैं किस देश के, ये भी आपको बताया गाइस, काफी ये पॉपुलर है. और ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर इन्हीं के हैं. और ये इंडोनेशिया. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. इंडोनेशिया हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट पॉइंट. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम एमडी ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NSIC के नए CMD कौन बने, ये आपसे पूछा गया. सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आप लोग को इसका आंसर भी देना है. एंड द आंसर इज विजेंद्र. ऑप्शन नंबर फोर. विजेंद्र ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. विजेंद्र हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोद कुमार तिवारी वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल. प्रमोद कुमार तिवारी किस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए रिसेंटली. वी हैव फाइव ऑप्शंस. We have five options. क्या इसका आंसर होगा गाइस. एंड द आंसर की बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS. ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु won अर्जेंटीना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन अक्टूबर 27. अर्जेंटीना के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीते, ये आपसे पूछा गया है. सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ाया गया पहले से भी है आपको. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अल्बर्टो एंजल फर्नांडिस. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट. फिलिप जैसिंटो नायुसी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. फिलिप नायुसी कौन से देश के राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं, ये आपसे पूछा गया है. और आंसर की बात करें गाइस, तो आंसर इज मोजाम्बिक. ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. मोजाम्बिक हमारा सही आंसर हो जाएगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 57 गाइस. हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन कार टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम. केयर टेकर, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मेरी तबीयत खराब है ना, पढ़ नहीं पाया मैं ठीक से. और आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, सोफी विलियम्स. विलियम्स ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. हाँ पीडीएफ देंगे बेटा, शिव बेटा, शिव बेटा क्यों नहीं देंगे, तुम्हारे नाम में ही महादेव है तो कैसे मना कर दे तुम्हें. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हमारा इसके लिए. वेयर वॉज द 2000 ईयर ओल्ड हिस्टोरिक ट्रेड सेटलमेंट एंड अ पल्लवा पीरियड स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु हैज बीन अनअर्थ ड्यूरिंग एक्सकेवेशन. कहां पर, ये आपसे पूछा गया है. शिव शंभू जी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इट्स माय प्रॉमिस. एंड द आंसर इज गोटी प्रोलू इन आंध्र प्रदेश. ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. नेम द साइक्लोन विच हैज बिकम द फर्स्ट सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म इन अरेबियन सी इन लास्ट 12 ईयर विद एन एस्टिमेटेड विंड स्पीड ऑफ 220 to 230 km/h. जल्दी आंसर दो. और अंकिता पॉल बोल रही है क्यार, निशा बोल रही है क्यार. एंड द क्यार इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. हु वॉन द जोजो चैंपियनशिप 2019. ये जापान में हुआ था और ये बेसिकली एक गोल्फ टूर्नामेंट था. किसने जीता, ये आपसे पूछा गया है. जल्दी आंसर दे क्या इसका आंसर होगा. एंड द आंसर इज टाइगर वुड्स. ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द 17th योनेक्स फ्रेंच ओपन 2019.
17th यूनेक्स फ्रेंच ओपन टाइटल मेन सिंगल किसने जीता ये आपको बताना है, और कौन इसका आंसर सही देगा ये देख लीजिए यहां पर. एंड द आंसर इज चेनलुंग्स, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मैन T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है. वी हैव 5 ऑप्शंस, व्हाट इज योर आंसर गाइस, जल्दी से जल्दी से जल्दी से. और आंसर की बात करें पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. इंटरनेशनल एनिमेशन डे कब मनाते हैं ये आपसे पूछा गया है, इंटरनेशनल एनिमेशन डे हम कब मनाते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए क्या इसका आंसर होगा. एंड द आंसर इज October 28, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, ऑन विच डे वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2019 इज ऑब्जर्व. वी हैव 5 ऑप्शंस, व्हाट इज द आंसर. सब गलत सलत आंसर तुम लोग दो और डिलीट करो खाली कमेंट. और आंसर की बात करें गाइस, आंसर इज October 27, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. शालिनी जी क्या है भाई, निशा वेरी गुड. नेम द ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ द आर्मी ऑफ इंडिया एंड फ्रांस दैट इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान. तो गाइस आपसे पूछा गया है मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस के बीच में जो कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ, उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था ये तो आप लोग को मालूम ही है मेरे ख्याल से. इसका आंसर है एक्सरसाइज शक्ति 2019, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, हु विल हेड द पैनल फॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिजॉल्व डिफरेंसेस बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो आपको पता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और इसका आंसर क्या होगा. जी हाँ, कृष्ण स्वामी विजय राघवन, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country topped in the Global Health Security Index? Global Health Security Index में किस कंट्री ने टॉप किया ये आपसे पूछा गया है. मेरे ख्याल से सारे बच्चे सही आंसर देंगे. जय महादेव का आज बर्थडे है. जय महादेव जी, अपना ओरिजिनल नाम लिख देते तो हम लोग विश भी करते हैं फिलहाल. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. भगवान करे कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए, लेकिन आपके नाम में खुद ही भगवान है तो भगवान तो खुद ही आपको आशीर्वाद देंगे. आंसर इज US, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स. मीनाक्षी हो गया तुम, ओहो 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 मीनाक्षी भार्गवा जी ऐसे काम नहीं चलेगा. आंसर इज 57, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन हाउ मेनी इंडिकेटर 195 कंट्री वेयर एसेस फॉर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स. कितने इंडिकेटर, तो आंसर क्या होगा 6, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. 6 इंडिकेटर्स पर मतलब ये सर्वे हुआ, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, नेम द बैंक दैट हैज साइंड अ थ्री पार्टराइट लोन एग्रीमेंट वर्थ $165 मिलियन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, विद द एम टू सपोर्ट क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर फॉर 125,000 स्मॉल होल्डर फार्मर्स. व्हाट इज द आंसर. एंड द आंसर इज वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक $165 मिलियन उड़ीसा. याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं आपके. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट इज सेट टू रिसीव $300 मिलियन वर्थ लोन फ्रॉम न्यू डेवलपमेंट बैंक. तो भारत न्यू डेवलपमेंट बैंक से $300 मिलियन का लोन क्यों ले रहा है, किस लिए ले रहा है ये आपसे पूछा गया. एंड द आंसर इज रिनेबल एनर्जी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. रिनेबल एनर्जी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, गलत सलत आंसर मत दो. नेक्स्ट पॉइंट, Who will head the 8 member panel newly constituted by IRDA to evaluate applications filled under the regulatory sandbox? हमको पता है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दो. बहुत अच्छे निशा, बहुत बढ़िया, जल्दी आंसर दो अब. और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर S. Sadagopan, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank has partnered with the Universal Sompo General Insurance Company Limited and launched co-branded healthcare plus insurance policy? पहले भी क्वेश्चन ये कराया गया है ड्यूरिंग LIC examinations, आपको सही आंसर देना है क्या इसका आंसर होगा. एंड द आंसर इज इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, हु won द $1 मिलियन बर्ग्रुएन प्राइज 2019 फॉर फिलोसफी एंड कल्चर. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ये क्वेश्चन ही सुना होगा, डेफिनेटली मुझे पता है. जो लोग गलत देंगे आंसर वो मतलब नहीं जानते थे. और यहां पर क्या आंसर आएगा, यहां पर सोनम बोल रही है नील, आकाश बोल रहे हैं गिन्सबर्ग. ओके,
आंसर इज रूथ बदर गिन्सबर्ग, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नील वाले लोग नहीं है, गलत है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. नेम द थर्ड इंडियन वुमेन क्रिकेटर हु वॉन द सेवेंथ एडिशन ऑफ विजडन इंडिया अल्मनैक क्रिकेटर ऑफ द ईयर. मेल की बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह थे, लेकिन यहां फीमेल की बात हो रही है और फीमेल में ये आपको पहले ही पढ़ाया गया है. एंड द आंसर इज स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड क्रिकेट कंट्री द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया टीम विच वॉज एडजस्ट द विजडन इंडिया बुक ऑफ द ईयर. विजडन इंडिया बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला कौन सी बुक को, तो ये आपके सामने क्रिकेट कंट्री द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया टीम, और इसके ऑथर कौन थे, प्रशांत किदांबी, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. टू विच कंट्री गोदावर्ती वेंकटा श्रीनिवास को करंटली एक्रेडिटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन अक्टूबर 24. व्हाट इज द आंसर, वी हैव फाइव ऑप्शंस. कल भी हम लोग अक्टूबर मंथ के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, याद रखिएगा. आंसर इज गाम्बिया, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. गाम्बिया हमारा सही आंसर है. विक्रम अधिकारी मार खाओगे, यश जी मार खाएंगे, और कौन कौन है देख ले जरा, और सब सही हैं. सौरभ दास जी गलत है आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. हुज नेम वॉज नेम्ड फॉर अ टीनी हनी कलर्ड इंस्पेक्ट. हाँ, तो ये आपको पता है, ब्लाइंड एंड रिंगलेस बिटल इन ब्रिटेन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, पढ़ाया गया आपको. हाँ, ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. विच कंट्री सेट टू होस्ट द 13th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप. इंडिया की तरफ से जो टीम बनी है उसका कैप्टन कौन है, ये भी बता दीजिएगा जरा मुझे. विक्रम अधिकारी पूछ रहे हैं हाउ डेयर यू, अभी तो हमने डेयर कहां दिखाया अधिकारी साहब. व्हेन आई एम गुड आई एम गुड, व्हेन आई एम बैड आई एम बेटर. आंसर दीजिए. साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. साउथ अफ्रीका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है. मैंने आप, हाँ, प्रियम गर्ग इज राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने. Who won the gold medal in men's single titan in second edition of the World Deep Tennis Championship 2019? What is the answer? नहीं वो मेरा डायलॉग है, वो उसने कॉपी किया है मेरा. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी शेखर, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने गाइज. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Which team clinched the 18th season of Vijay Hazare Trophy 2019-20, also known as the Ranji One Day Trophy? Answer de, kya iska answer hoga? What is the answer? Jaldi. And the answer is Karnataka, option number 3 is right answer. Next point. Where was the first India-Bangladesh stakeholders meet held? Pehla India-Bangladesh stakeholder meet kahan par hua? Ye aapse pucha gaya hai. और आपको इसका सही आंसर देना है. उसका आंसर क्या होगा, आंसर इज गुवाहाटी असम, ऑप्शन नंबर थ्री. गुवाहाटी असम ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. गाइस टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम से हम ओवर चल रहे हैं इसलिए थोड़ा तेज चलेंगे. हाँ, नेम द रबी क्रॉप विच हैज द हाईएस्ट इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ड्यूरिंग द रबी मार्केटिंग सीजन 2020-21. मतलब कि इसमें से किस रबी क्रॉप का सबसे ज्यादा एमएसपी इंक्रीज हुआ है, और इसका आंसर होगा लेंटिल, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. हिंदी में से क्या कहते हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे. नेक्स्ट पॉइंट. वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिया बांग्लादेश स्टेक होल्डर मीट, तो ये तो हो गया, ठीक है. अरे ओहो, ये कंप्यूटर जिसे मिस्टेक हुई है. विच कंट्री प्रपोजल इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन वॉज अप्रूव बाई कैबिनेट कमेटी ऑफ इंडिया. ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए इंडिया ने किस कंट्री से एग्रीमेंट किया था जिसको अप्रूवल मिल गया है, ये आपसे पूछा गया है. एंड द आंसर इज सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीज, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. वेयर विल द इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल हब एट अ कॉस्ट ऑफ 600 करोड़ रुपीज टू बी सेटअप. भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल हब कहां पर बन रहा है, यह आपसे पूछा गया, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जोगी गोपा असम. जोगी गोपा असम ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच कंट्री टॉप्ड इन द 11th एडिशन ऑफ द 2019 मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स. मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, वी हैव फाइव ऑप्शंस. व्हाट इज द आंसर, एंड द आंसर इज नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. नीदरलैंड हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 11th एडिशन ऑफ द 2019 मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, एंड द आंसर इज 32, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर.
Where was the 19th Indo-Swedish Joint Commission for Economic, Industrial and Scientific Cooperation held? और गाइज आंसर की बात करें, आंसर इज स्टॉकहोम स्वीडन. ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं यहां पर फोर इज थ्री इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, वेयर वॉज द फोर्थ एशियन इंडिया बिजनेस समिट फॉर 2019, ये कहां पर हुआ ये आपसे पूछा गया, चौथा एशिया इंडिया बिजनेस समिट. एंड द आंसर इज मनीला फिलीपींस. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी एग्रीमेंट वेयर साइन बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विजिट. And the answer is 4. Option number 4 is right answer. 4 hamara sahi answer hai. Where did President Ramnath Kovind laid the foundation stone of Sri Satya Sai Sanatan Samskriti Project? Sab galat answer tum log do. Answer is 1 minute. Philippines India ke beech mein 4 agreement the. Mujhe 6 lag raha hai mujhe bhi. इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा. आइए फिलहाल ये काकेगावा जापान में हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच एंटिटीज हैव रिसीव्ड द महारत्न स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज रिसेंटली. और हमारे देश में अब कितने महारत्न कंपनी बन गए ये भी जरा कमेंट कर दीजिएगा. जी हाँ, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 17th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट. हाँ, 10 हो गया, 10 हो गया. ऑप्शन नंबर 263 इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. विच कंट्री टॉप्ड इन द 17th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस. न्यूजीलैंड टॉप. Who received the Udyog Ratna Award 2019 from the Institute of Economic Studies recently? And the answer is Thakur Anoop Singh. Option number 4 is right answer. Which organization has received the DigiDhan Mission FinTech Award 2018-19 for innovation in digital payment through emerging technology of the Ministry of Electronics and Information Technology Startup Summit 2019? And the answer is Bharat Pay. Option number 2 is right answer. अगर bank पूछेगा, चार ही MOU थे, ठीक है. अगर bank पूछेगा तो bank के केस में आप क्या बोलेंगे? Yes, bank को मिला award. Name the Uyghur economist who won the European Parliamentary Sakharov Prize. इनका नाम हमको पता है, क्या इसका answer होगा? And the answer is Ilham Toti. Option number 3 is right answer. Name the spatial planning application which is geo spatial based decision support system for the panchayat. And the answer is Gram Manchitra. Option number 4 is right answer. Who has been appointed as the chairman of the Airport Authority of India? Chairman of the Airport Authority of India. What is the answer? And the answer is Arvind Singh. Option number 2 is right answer. Next point. To which of the agency Sukhveer Singh Sandhu has been appointed as the chief? And the answer is NHAI, National Highway Authority of India. Name the application launched by Southern Railway of hassle-free working and transactions with the railway personnel and customers. And the answer is Rail Dhandhora. Option number 1 is right answer. Which country has received FIFA permission to host the inaugural edition of expanded 24 team club World Cup in 2021? And the answer is China. Option number 4 is right answer. China hamara sahi answer hai. Name the first Indian man who won a gold medal at the Wushu World Championship 2019. And the answer is Praveen Kumar. Option number 2 is right answer. Who is the author of the book titled The True Meaning of Yoga? And the answer is Atman in Ravi. Option number 4. Name the second Hindu mythological text which was translated in English by economist and author Vivek Deb Roy. And the answer is Markandey Puran and the Bhagavad Gita. What was the theme of the United Nations Day 2019? And the answer is Our Planet, Our Future.
On which day World Development Information Day 2019 is observed? And the answer is October 24, option number 1 is right answer. 2019 edition of Disarmament Week is being observed from Disarmament Week. And the answer is 24 to 30th October 2019, option number 4. The newly formed Western Command of Indo-Tibetan Border Police will be based on which, matlab theek hai, headquarter kahan par hoga iska? And the answer is Chandigarh, option number 3. Chandigarh, option number 3 is right answer. Okay, thank you so much guys. Thank you so much. Kal phir milenge 100 question ke saath. Aiyega aur apna apna test dekhiyega. Aur AM live code guys, ye mera code hai. Agar aapko Unacademy ka subscription lena hai to paid batch mein. Thank you so much guys. Milte hain 1:30 pe.